हेलो, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी. वेलकम. मैं इस चेक करना चाहती थी 12-12 पोर्टल की एनर्जीज फॉर द अनअवेकन्ड सोल्स. व्हाट अबाउट द अनअवेकन्ड सोल्स? वो सोल्स जो अवेकन नहीं है और अवेकन होना भी नहीं चाहती हैं, अवेकनिंग की ओर अभी तक जिन्होंने कदम भी नहीं बढ़ाए हैं, और जो अपने सोल एनर्जीज के अलाइनमेंट में नहीं है, जो अपने हायर सेल्फ से अलाइनमेंट में नहीं है, जो स्पिरिट के साथ अलाइन नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दे आर गोइंग टू हैव आफ्टर दिस 12-12 पोर्टल एंड ड्यूरिंग दी 2020 एनर्जी. सो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक व्हाट इज देयर फॉर अनअवेकन्ड सोल्स इन 2020. व्हाट इज देयर फॉर अनअवेकन्ड सोल्स ड्यूरिंग 2020? द एनर्जीज ऑफ अनअवेकन्ड सोल्स इन 2020. द एनर्जीज फॉर अनअवेकन्ड सोल्स इन 2020. ओ माई गॉड, हैवी एनर्जीज आर देयर. मेरे को फिंगर पर लगी है और दर्द हो रहा है. शफलिंग इज हार्ड. ओ माय गॉड, what about the unawakened souls? Oh my god, so for the unawakened souls, the overall energy is Queen of Wands. Obviously, all the souls, whether they are awakened or non-awakened, whether they are spiritual or non-spiritual, they all want to have a good times. वे सभी तरक्की करना चाहते हैं, वे सभी फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, वे सभी करियर में अबंडेंट होना चाहते हैं, स्टेबल हैप्पी रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं. तो सभी अनअवेक और यस, इट इज अ कार्ड ऑफ मटेरियल सक्सेस. द अनअवेकन्ड सोल्स विल ट्राई टू गेन देयर मटेरियल सक्सेस. एंड उसके जस्ट नीचे कार्ड है टावर कार्ड. समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग विल हैपन टू ऑल द अनअवेकन सोल्स विच ब्रिंग टावर कार्ड इन देयर लाइफ. उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आएगा, या तो वो कुछ ऐसा झटका खाएंगे, या फिर कुछ इस तरह का टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आएगा कि वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की दिशा में सोचने लगेंगे. अनअवेकन सोल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स न सिर्फ मटीरियलिस्टिक सक्सेस को डिनोट करती, बल्कि ये स्पिरिचुअल सक्सेस को भी डिनोट करती है. बहुत सारी अनअवेकन सोल्स बहुत सारी अनअवेकन सोल्स तो बहुत सारी अनअवेकन सोल्स तो बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज में फॉल हो जाएंगी, बुरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज में चली जाएंगी. उनका असेंशन होना, 2020 में असेंशन होना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन कुछ कुछ अनअवेकन सोल्स इस टावर मोमेंट से सबक लेंगी और
अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सुधार करने की ओर, तरक्की की ओर, अबंडेंस की ओर, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने की प्रयास करेंगी। और दीज अनअवेकंड सोल्स पास्ट लाइफ कार्मिक बर्डन्स, दीज अनअवेकंड सोल्स ऑब्वियसली ये अपने कार्मिक बर्डन्स में स्टक होंगी, अपने कार्मिक बर्डन्स के साथ में, अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स के साथ स्टक फील करेंगी। हालांकि ये कार्मिक रिलेशनशिप इनको कंटेंटमेंट नहीं देते, इनको खुशी नहीं देते, इनको इनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, इनको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। पर बहुत सारी कार्मिक जो बहुत सारी अनविकम सोल्स जो होंगी वो इन कार्मिक डेप्स में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगी, दुखी पाएंगी, परेशान पाएंगी, और उनको इन कार्मिक रिलेशनशिप्स से बाहर निकलने का कोई जरिया नजर नहीं आएगा। और बहुत सारी अनविकन सोल्स ये सोचती हैं कि ये लोग उसकी जिम्मेदारी है, इनको पूरा करना, इनके अंडर में रहना, इनके कंट्रोल में रहना उनकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारी अनअवेकन सोल्स नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वजह से या अल्कोहल अल्कोहल यूज करने की वजह से बहुत नेगेटिव एनर्जीज में जाने वाली हैं। पॉवर्टी, पैसों की कमी, फाइनेंशियल ट्रबल्स, करियर में ट्रबल और इमोशनल अपहीवल्स। और ये जो इनके कार्मिक रिलेशंस है ना, ये कोई बहुत पुराने पुराने जन्मों के रिलेशंस है। बहुत पहले कहीं पर इनके कार्मिक डेप्थ्स बाकी थे, वो कार्मिक डेप्थ्स इस 2020 में सामने आएंगे। ऐसे ऐसे रिलेशंस जो पहले शायद उनकी लाइफ में नहीं थे, ऐसे ऐसे कार्मिक डेप्थ्स जो पहले उन्होंने नहीं नहीं फील किए थे, वो इस साइकिल में, इस न्यू 2020 की इस साइकिल में ये न्यू कार्मिक बर्डन्स का सामना करेंगे। नए कार्मिक रिलेशनशिप्स इनके सामने आएंगे और उनके साथ में इनको डील करना होगा, और ये डीलिंग और ये एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। बहुत सारी अनअवेकन सोल्स अपने लव्ड वन से, अपने सोलमेट से, अपने लव्ड वन से, अपने सोलमेट से, मे बी अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट होंगी, सेपरेशन में होंगी और अपने आप को अलोन फील करेंगी, दुखी और उदास फील करेंगी। दे विल थिंक अबाउट देयर पर्सन, ये अपने सोलमेट के बारे में या अपने कार्मिक अपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत बहुत अधिक सोच विचार करेंगे, सोचेंगे। सपनों में भी शायद इनको अपने ये सोलमेट्स या कार्मिक ये ट्विन फ्लेम्स नजर आ सकते हैं। दे विल थिंक अबाउट यूनियन, ये अपने इस सोलमेट से अलग होने के पेन को फील करेंगे, ये अपने इस सोलमेट या इस ट्विन फ्लेम से यूनियन के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। लेकिन क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि ये आगे कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इस सेपरेशन की पेन को फील करेंगे। दे विल फील वेरी अलोन, दे विल फील वेरी ड्रेन्ड, दे विल फील लो इन एनर्जी, मे बी सम ऑफ देम कैन गो अंडर गो डिप्रेशन। Some of them will try to meditate, some of them will try to come out of this karmic situations through their surrender and meditation practices and healing. Yes, I told you, बहुत सारे unawakened souls अपने दुनिया की और अपने जिंदगी की परेशानियों से घबरा कर और अपने soulmate, अपने twin flame से separation का pain ना झेल पाने की वजह से अपनी अवेकनिंग में एंटर करेंगी, अपनी हीलिंग में एंटर करेंगी और अपने पुराने मेंटल एंट्रैपमेंट से निकलने की, अपने आप को छुड़ाने की, अपने आप को फ्री करने की, खास तौर से अपने कार्मिक बर्डन से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेंगी।
और इस फ्री करने की कोशिश में डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस को ये एंड करेंगे और अपने अंदर ऐसे कुछ जरूरी चेंजेस लाएंगे जो टेन ऑफ कप्स, जो इनको इनके दुख से बाहर निकाल सके, जो इनको इनके बर्डन से बाहर निकाल सके, जो इनको शांति दे सके, जो इनको कंटेंटमेंट फील करवा सके। और इस चेंज की प्रोसेस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में और इस हीलिंग में एंटर करने की वजह से दे विल फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन विद इन देमसेल्व्स। ये अपने अंदर डिवाइन की प्रेजेंस या अपने अंदर किसी प्रकार की डिवाइन पावर को भी फील करेंगे, सम ऑफ देम। और ये बहुत सारे, ये अपनी अवेयरनेस में जाएंगे, इनमें से बहुत सारी सोल्स अपनी अवेकनिंग में इस साल एंटर करेंगी, अपनी शेडो साइड्स को छोड़ेंगी, अपने अपने थिंकिंग पैटर्न, अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को छोड़ेंगी। और अपने स्ट्रेस को छोड़कर अपने ओवर इंडल्जमेंट विद देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अपनी बहुत ज्यादा बिजीनेस, अपने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो इन्होंने उठा ली है, ऐसी जिम्मेदारियां जो ये संभाले नहीं संभाल पा रहे, जो इनको पेन कॉज कर रही है, फिर भी एक रोबोटिक मैनर में इस इन परेशानियों को, इन जिम्मेदारियों को निभाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ये अनअवेकन सोल्स इस साल डिसीजन लेंगी साइलेंट हो जाने का, स्टेप बैक करने का, ये बहुत सारी कार्मिक बर्डन्स को छोड़ देने का डिसीजन लेने वाली है। एंड द फूल कार्ड, ये अपने लिए एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर इनकी शांति हो, जहां इनको पीस मिले, जहां पर इनके ऊपर बर्डन ना हो, जहां इनके हाथ में इतनी जिम्मेदारियां ना हो, जहां इनके सर पर कार्मिक डेब्ट्स का बोझ ना हो, ऐसी जिंदगी बिताने की और, ऐसी जिंदगी बनाने की और, हार्मनी पाने की और, हीलिंग की और, बहुत सारी अनअवेकन सोल्स इस साल अवेकनिंग में एंटर करेंगी। हालांकि ये शुरुआत में, साल के शुरुआत में ये नहीं होगा, साल के शुरुआत में लगभग आई थिंक 3 से 4 महीने ये अनअवेकन सोल्स परेशान होंगी, इनके कार्मिक बर्डन इन्हें परेशान करेंगे, दे विल बिकम सो टेंस्ड, सो डिप्रेस्ड, और जिसको हम बोलते हैं ना नाक के ऊपर से पानी आ जाना, ये स्थिति इन लोगों की होगी। उसके बाद में ये अपने हीलिंग में एंटर करेंगे, उसके बाद में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गलतियां हुई और कहाँ डिसीजंस रॉन्ग लिए और कहाँ पर एंट्रैप हूँ मैं, कहाँ एंट्रैप हूँ, और कैसे अपने आप को बदल के मैं हारमनी में आ सकता हूँ या हारमनी में आ सकती हूँ, कैसे मैं अपने लिए एक खूबसूरत लाइफ को बना सकता हूँ, और कैसे मैं इन स्ट्रेस से, इन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर एक सोलफुल, एक सीधी सादी, एक बिना टेंशन वाली जिंदगी बिता सकता हूँ, ऐसा सोचने की और बहुत सारी अनअवेकन सोल इस साल एंटर करेंगी। मैं उन सोल्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ जो इस साल अनअवेकन होते हुए, टावर को झेलते हुए भी अवेकनिंग में नहीं जाती हैं। अगर ये अवेकनिंग में नहीं जाती हैं, जो सोल्स अवेकनिंग में नहीं जाती है, व्हाट विल हैपन टू देम इन 2020? सोल्स विच चूज नॉट टू एंटर इनटू देयर अवेकनिंग, व्हाट विल हैपन टू देम? Souls which don't choose their unawakening, what will happen to them? देखिए टावर कार्ड फिर से आ गया, यही टावर कार्ड, जिस टावर कार्ड की हम बात कर रहे थे, जिन सोल्स को
अनअवेकनिंग है और वो फिर भी अनअवेकनिंग में नहीं जाना चाहते, व्हाट विल हैपन टू देम? दे विल फेस टावर आफ्टर टावर आफ्टर टावर आफ्टर टावर अपनी जिंदगी में, बहुत सारी, और आने वाले साल में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, फाइव ऑफ कप्स, आने वाले साल में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे फेलियर्स इनको देखने को मिलेंगे. वट एवर दे विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, जो जिस भी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा काम करना होगा. एंड स्टिल द मून कार्ड स्टिल इनको धोखा मिल सकता है, लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोग इन्हें परेशान कर सकते हैं, ये बैटल्स में हार सकते हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये इनकी बैटल्स में हारा हुआ अपने आप को महसूस कर सकते हैं. ये लोगों के साथ में, ऐसे लोग जो इनको डिफीट देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इनको इनके साथ में धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे दूर जाने की बहुत कोशिश करेंगे और अपने अपने आप को एक न्यू लाइफ पाथ की ओर धकेलने की बहुत कोशिश करेंगे. बट द जजमेंट, डेथ कार्ड है ये, लेकिन डिवाइन की कॉल को ना सुन पाने की वजह से, एट ऑफ कप्स, ये कितना भी दूर भागने की कोशिश करेंगे लेकिन डिवाइन जजमेंट इनका पीछा नहीं छोड़ेगा. एंड किंग ऑफ कप्स, दे विल बिकम वेरी वेरी इमोशनली अनसेटिस्फाइड, इमोशनली इमोशनली स्टबर्न, इमोशनली इमोशनली स्टक. किंग ऑफ सोर्ड्स, दे विल, ये बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर सकते हैं, रूड बिहेव कर सकते हैं. इनकी फैमिली मेंबर्स के साथ में इनकी अनबन हो सकती है, और मनी मैटर्स पर लेकर, मनी मैटर्स पर लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर इनको झगड़ा हो सकता है, इनको धोखा मिल सकता है, इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है. वन लास्ट कार्ड, हर्मिट, इनको अकेलापन झेलना पड़ सकता है, इनको इनको ऐसा लगेगा कि लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, और शायद साल का अंत आते आते वो इस बात को समझने और एनालाइज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है. और अगर उन्होंने एनालाइज किया तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपनी खुशियां, अपने कंटेंटमेंट के ऊपर किसी न किसी तरह का रोक, किसी न किसी तरह की बंदिश खुद ही लगा रखी है. मे भी कुछ अनअवेकन सोल्स को साल के आखिर में जाकर ही समझ में आएगा कि कहाँ पर उन्होंने गलतियां की हैं, कहाँ पर उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, कहाँ पर उनकी चॉइसेस गलत थी. लेकिन इस अनअवेकनिंग के पाथ पर उनको रिलेशनशिप्स में फ्रीडम, रिलेशनशिप्स में कंटेंटमेंट मिलने की संभावना बहुत कम है. सो सोल्स विच आर नॉट इन देयर अवेकनिंग राइट नाउ, अभी भी अगर आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चल रहे हैं, या यदि अभी भी आप हीलिंग के पाथ को नहीं चुन रहे, कार्ड्स देख लीजिए आपके सामने है. कल मैंने अवेकन सोल्स की रीडिंग ली थी, आपने वो कार्ड्स भी देखे थे, आज आप अनअवेकन सोल्स के कार्ड्स भी आप देख लीजिए. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कांच की तरह मामला क्लियर है. अनअवेकन सोल्स अगर अपनी हीलिंग की तरफ जाती हैं, टेन ऑफ कप्स, हार्मनी इज देयर, बैलेंस इज देयर, न्यू बिगिनिंग्स आर देयर. और अनअवेकन सोल्स अगर अनअवेकनिंग में ही रहना पसंद करती हैं, स्पिरिचुअलिज्म का चयन नहीं करती हैं, तो द लास्ट कार्ड इज द डेविल कार्ड. और टेन ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, लेकिन उसके बाद में आता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, गार्डेड. इनको टेन ऑफ कप्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि इन्होंने अपने आप को ही लिमिट कर लिया है, रेस्ट्रिक्ट कर लिया है. ये टेन ऑफ कप्स की तरफ बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं, और इनके फैमिली फैमिली मैटर्स, इनके कार्मिक डेब्ट्स इनको टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को फील करने से रोक रहे हैं. हालांकि टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर देयर फॉर देम ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ देयर डिसीजंस, बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द कार्मिक पीपल इन देयर लाइफ, दे विल एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट्स इन देयर
कमिंग टाइम एंड दे विल फील लाइक बाउंड, ये बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे, और इस बात पर शायद साल के अंत तक इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि मुझे ऑफर लेकर किस तरफ जाना चाहिए था, लवर्स कनेक्शन की तरफ या कार्मिक डेब्ट्स की तरफ, मुझे किनको चुनना चाहिए था, अपने कार्मिक्स को चुनना चाहिए था या मुझे अपने सोल कनेक्शंस को चुनना चाहिए था। और टेन ऑफ कप्स, अपनी टेन ऑफ कप्स, अपने कंटेंटमेंट को पाने के लिए मुझे कौन कौन से डिसीजंस अब लेने की जरूरत है, इस तरह का सोच विचार शायद इस साल के अंत तक ये अनअवेकन सोल्स करने लग जाएंगी। इट वॉज ए वेरी हैवी एंड वेरी टेंस रीडिंग, बट बिकॉज मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक करके बताइए, तो डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे भी सोल्स हैं जो अनअवेकनिंग में हैं, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रही हैं, तो मैंने इन सबको एक कैटेगरी में डाला है अनअवेकन सोल्स में, और ये उन अनअवेकन सोल्स की रीडिंग है, इंक्लूडिंग द डिवाइन मैस्कुलिन्स विच आर नॉट चूजिंग द पाथ ऑफ अवेकनिंग। आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ एंड आई वॉन्ट टू टेक योर लीव, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।